नमस्कार मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार जहां बातें करते हैं बिहार की खबरें होती है बिहार की बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट बिहार की पहली और बड़ी खबर हम शिक्षा विभाग से ले रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक के दीपावली की सौगात मिलने जा रही है यानी कि दो नवंबर को संभावित है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जे का ऐलान कर सकते हैं और तीन नवंबर को कैबिनेट में मुहर भी लग सकती है इसको लेकर कई अपडेट सामने आए हैं यानी कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा के बाद राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिलेगा तो वह सक्षमता परीक्षा विभागीय होगी और जिसका परीक्षा लेने का कार्य जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जाएगा और यह एक माह के अंदर में यह कार्य प्रारंभ भी हो जाएंगे यानी पहली परीक्षा भी होगी इधर हम आपको बताते चलें बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए ही खबर है कि जो अब तक दस्ता परीक्षा नहीं दिए हैं तो अंतिम मौका एक बार फिर मिलने मिल रहा है यानी कि नवंबर माह में आपको फॉर्म भरे जाएंगे और अगर इसमें आप शामिल नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है और अभी अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है बिहार के शिक्षकों को लेकर कि बिहार में एक पहली बार शिक्षा विभाग में फिर एक बड़ा प्रयोग होने जा रहा है वह प्रयोग है कि बिहार के शिक्षकों को अब रहने के लिए मकान मिलेगा भवन मिलेगा यानी कि जो एच आर ए शिक्षकों को मिला करते हैं वह अब एच आर ए नहीं मिलेंगे सरकार भवन बना कर देगी या किराए पर मकान लेकर शिक्षकों को देगी यह व्यवस्था बिहार के सभी चार लाख शिक्षकों और जो अभी एक लाख बीस हजार शिक्षक बहाल हो रहे हैं उन तमाम लोगों पर लागू होगा उन तमाम लोगों को घर मकान मिलेंगे रहने के लिए किराया पर लेकर भी सरकार देगी ये चार अब न देगी यानी कि यह बिहार में पहला प्रयोग होगा जहां शिक्षकों को रहने के लिए सरकार भवन उपलब्ध कराएगी आवास उपलब्ध कराएगा यानी नीतीश सरकार एक नया प्रयोग फिर से शिक्षा विभाग में करने जा रही है और इधर हम आपको बताते चले कि शिक्षकों से जुड़ी कई खबरें निकलकर इन दिनों आ रहे हैं तड़ात तड़ा आ रहे हैं इधर बीपीएससी की अगर बात कर लें तो बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर निकल कर सामने कई तरह, की आ तरह पर, ए, के आ रहे हैं एक तरफ जो शिक्षक कम अंकों पर के कारण वह बहाल नहीं हो पाए हैं उनके लिए अब कोर्ट करने की तैयारी कई वकील साहब अपना दुकान से जाकर भी बैठे हुए हैं और वहाँ पर शिक्षक जा रहे हैं और सरकार यानी कि बी के खिलाफ यानी परीक्षा के प्रकर्म के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है जा भी रहे हैं और दूसरी खबर हम आपको बता दें कि रैंडमाइजेशन के आधार पर अब एक लाख बीस हजार अध्यापकों की पोस्टिंग होगी यानी नोडल ऑफिसर तैनात होंगे चार अधिकारियों की भी तैनाती होगी आपको बता दें कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर एक लाख बीस हजार चयनित विद्यालय अध्यापकों की पोस्टिंग रेंडमाइजेशन के आधार पर होगी रैंडमाइजेशन के आधार पर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर से होगी आपको बता दें कि इसके तहत संबंधित जिलों के प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग के स्तर से कार्रवाई भी शुरू हो गई है इधर अगली खबर हम आपको बता दें कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र के आधार पर कार्ड पर पच्चीस हजार अध्यापकों को गांधी मैदान में दो नवंबर को दो नवंबर को जो है उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा जिसमें जिला का आवंटन होगा और बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी इस दिन राजकर्मी की दर्जा का ऐलान हो सकता है अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर बिहार के कर्मचारियों के लिए है यानी बिहार में जितने भी जितने विभाग में कर्मचारी बाल उनको लिए कि दीपावली के पूर्व राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत वृद्धि संभव करीब ग्यारह लाख कर्मियों और धारियों को यह लाभ होगा एक जुलाई 2023 के प्रस्ताव से यह बिल्कुल लागू होगी यानी कि यह या प्रस्ताव बिल्कुल जो है बिहार सरकार आदि केंद्र सरकार ने इन्हें पहले ही कर दिया है यानी कि जुलाई से इसका लाभ मिलेगा इधर बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आठवीं तक के बच्चों को छमाही परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को दिखाई जाएगी यह भी एक बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग एक, एक प्रयोग है अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हृदय में छेद वाले बच्चों का अब बिहार में ही ऑपरेशन होगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा और कहा कि बिहार के बच्चों ऐसे बच्चों को अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा इधर बीपीएससी नियोजित शिक्षकों को जलवा हुआ है बिहार लोक सेवा आवास की सड़सठवीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों ने भी सफलता हासिल की है बेगूसराय जिला के पपरौर निवासी टीएटी शिक्षक अविनाश कुमार का चयन एक रैंक लाकर सब इलेक्शन ऑफिसर पद के लिए किया गया है टीएटी प्रारंभिक राजू सिंह ने बताया कि अविनाश कुमार मध्य विद्यालय बथौली प्रखंड बरौनी के में कार्यरत थे आपको आगे की खबर बता दें कि यूपी के जदयू नेताओं का अनुरोध नीतीश कुमार फुलपुर से लड़े चुनाव इधर एक से आवेदन यानी एक नवंबर से आवेदन दस्ता परीक्षा को लेकर होगा और फिर दोबारा मौका नहीं मिलेंगे इधर रसोई गैस और ऐसी भी युवाओं के हृदय रोग के बढ़ाने के कई स्रोत बताए जा रहे हैं तो वहीं रोजगार मेले में एक सौ को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा इधर हम आपको बता दें एक सौ अठहत्तर अनुदानित माध्यमिक स्कूल की समझता निलंबित और शर्त पूरा नहीं करने पर तीन माध्यमिक विद्यालयों की समझता रद्द इधर सेवानिवृत्त ग्रामीण बैंक कर्मियों को मिलेगा अब कंप्यूटर भत्ता इधर नौ चयनित शिक्षकों को जिला आवंटन करना शुरू कर दिया है बिहार में हुए बदलाव की कहानियां नजीर है संजय का कहना है और ये सोलह प्रतिशत को मिल रहा है औसत बिजली का बिल इधर बीरो यानी कि मतदाता सूची को लेकर एक बड़ी खबर आई है निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता पहचान पत्र में सुधार के लिए लगाए जाएंगे कैंप हिंदी भवन में बना कंट्रोल इस कंट्रोल रूम इसका मतदाता सूची में नाम पता में सुधार को आवेदन शुरू यानी कैसे आपको आवेदन करना है भी हम बताएंगे मतदाता सूची सूची या मतदाता पहचान पत्र में किसी प्रकार के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा वेबसाइट भोटर डॉट ई सी आई डॉट गॉट इन पर आप कर सकते हैं जिसमें आपको बता दें कि आवास परिवर्तन के लिए कई जरूरी दस्तावेज भी हैं जिसमें पानी बिजली गैस की कनेक्शन बीर जो कम से कम एक साल का हो और आधार कार्ड चाहिए भारतीय अनुसूचित बैंक या, या डाकघर की वर्तमान पासबुक होना चाहिए और भारतीय पासबुक और राज, राजस्व विभाग का कृषि स्वामित्व का भी लेख होना चाहिए इन तमाम कागजों के साथ में आप में उसमें सुधार हो सकता है इधर इस्लामिका का सवाल नहीं है भोला का कहना है और भाजपा के तीन मंत्र संवाद समन्वय का अभियान और इधर दीपावली से पहले तमाम बिहार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा चार प्रतिशत डी का यह आपको खबर मैंने बताया है और इधर बता दें कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जो है बिहार बोर्ड लेगी इधर औरंगाबाद से खबर निकल कर आई है कि सूतक लगने के साथ ही बंद हुए मंदिरों के कपाट चंद्रग्रहण लगने के बंद चंद्रग्रहण से बंद किया गया मंदिर पूजा पाठ पर लगी रोक या आस्था की बात है चंद्रग्रहण पर इधर बी पी में पटना का अमन टॉपर रहे 799 सौ निन्यानवे अभ्यर्थी उत्तीर्ण और शीर्ष तीन में दो छात्राएं भी शामिल हैं इधर हम आपको बता दें चलें कि बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है औरंगाबाद के जिलाधिकारी ने कहा है जनसंवाद में कार्यकारी योजनाओं के बारे में दी गई खास जानकारी और दो को औपबंधिक नियुक्ति पत्र और कार्ड पर मिलेगा शिक्षकों का प्रवेश यानी कि प्रवेश मिलेगा छः लाख साठ हज़ार छात्र छात्राओं चा, के खाते में प्रोत्साहन राशि जल्द भेजी जाएगी स्नातक उतनी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का आदेश जारी किया गया है अनुदान नहीं वेतन की मांग समृद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के द्वारा किया गया था ऐति आज की खास प्रमुख खबरें आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल और मयंक प्रताप धन्यवाद जय हिंद जय जह भारत वंदे मातरम